हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अजमेर बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि क्या है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके विभिन्न कारक कौन कौन से होते हैं। उत्तर, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है जिसे अनिर्दिष्ट यानी सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक होते हैं। पहला है भौतिक अवरोधक, जैसे त्वचा, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्ष, माब, कशाब, श्लेष्म एवं उमकला आदि। नंबर टू, रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय व योनिका अम्ले वातावरण, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार, अश्रु, पसीना आदि। नंबर तीन, कोशिका अवरोधक। भक्षकाणु क्रिया में समक्ष कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि, साथ ही साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मार्ग कोशिका जैसे जबर, सूजन आदि। क्वेश्चन नंबर टू, रक्तदान क्या है। रक्तदान ऐसी विधि होती है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस के द्वारा संपादित किया गया था। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। हालांकि इसके 10 साल बाद पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं रक्तदान की आवश्यकता की। निम्नांकित परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है। नंबर वन, चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव यानी रक्त बह जाने पर। नंबर टू, शरीर में गंभीर रक्तहीनता यानी रक्त की कमी होने पर। नंबर तीन, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के दौरान। नंबर चार, रक्त में बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स अल्पता यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाने पर। नंबर पांच, हीमोफिलिया के रोगियों को। नंबर छह, धात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों को। क्वेश्चन नंबर तीन, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां लिखिए। उत्तर, रक्तदान के दौरान निम्न सावधानियां बरती जानी चाहिए। नंबर एक, दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। नंबर टू, दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच कर लेनी चाहिए। नंबर तीन, दोनों के रक्त में RH कारक विशेष रूप से RHD का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर चार, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रतिष्ठित भंडारण कर लेना चाहिए। नंबर पांच, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण यानी खराब होने से बचाना चाहिए। नंबर सिक्स, संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चार, रक्तदान के दौरान असावधानियों के कारण होने वाले रोग एवं संक्रमणों के नाम लिखिए। उत्तर, रक्तदान के दौरान असावधानियों के कारण निम्न रोग होने का खतरा रहता है। फर्स्ट, HIV फर्स्ट तथा HIV सेकेंड का संक्रमण। HIV मीन्स ह्यूमन ह्यूमनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। नंबर टू, HTLV फर्स्ट तथा HTLV सेकेंड का संक्रमण। HTLV मीन्स ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस होता है।
3 हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी। नंबर 4 क्रूएटिज फेल डिट जेकोब आदि रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंगदान की आवश्यकता को समझाइए। उत्तर अंगदान। अंगदान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद अपने अंग जैसे आंखें गुर्दे यकृत आदि को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इससे जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सुख का संचार कर सकते हैं। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में या हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पवित्र दान कहा जाता है। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है, जबकि मौजूद समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15 हजार की ही है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना हो पाने के कारण मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।